कुमाऊनी होली में चीर या निशान बंधन का विशेष महत्व माना जाता है। होलिकाष्टमी के दिन मंदिरों में सार्वजनिक स्थानों पर एकादशी को मुहूर्त देखकर चीर बंधन किया जाता है। चीर बांधने के साथ ही होलियारों द्वारा घर घर जाकर खड़ी होली गायन शुरू हो गया तथा होली के गीतों और रंगों ने वातावरण होलीमय बनाया हुआ है। कुमाऊं में होली प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक घर में एक एक नए कपड़े के रंग बिरंगे टुकड़े चीर के रूप में लंबे लट्ठे पर बांध दिए जाते हैं। उसके बाद राम कृष्ण शिव पार्वती केले बांधी चीर गणपति बांधी चीर होली गाकर होली का शुभारंभ किया जाता है। कुमाऊं में चीर हरण का भी प्रचलन है। गांव में चीर को दूसरे गांव वालों की पहुंच से बचाने के लिए दिन रात पहरा दिया जाता है। चीर चोरी चले जाने पर अगली होली से गांव की चीर बांधने की परंपरा समाप्त हो जाती है। कुछ गांवों में चीर की जगह लाल रंग के झंडे के निशान का भी प्रचलन है। चीर मंदिरों में होली से पूर्व एकादशी में खड़ी होली के पहले दिन चीर बांधने का अपना ही महत्व है। इस दिन लोग बांस के लंबे डंडे में नए कपड़ों की कतरन को बांध कर मंदिर में स्थापित करते हैं। फिर चीर के चारों ओर लोग खड़ी होली गायन करते हैं और घर घर जाकर खड़ी होली गाते हैं। होलिका दहन के दिन इस चीर को होलिका दहन वाले स्थान पर लाया जाता है और बांस में बंधे कपड़ों के कतरन को प्रसाद के रूप में बांटते हैं, जिसे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह होलिका भारतीय संस्कृति में उत्तराखंड का सबसे बड़ा महत्व है। यह हमारी जो है पुरानी संस्कृति है। हम इसको जो है मथुरा से लेकर के तड़के चिड़गालगांव पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना हुई है। हमारे बुजुर्गों के द्वारा इसकी जो है एक चीर बंधन जो है इसका सबसे बड़ा उत्सव मक्के रूप में मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत है और इसको जो है हरिपुर नायक में लाए थे हमारे पूर्वज, जो है हमारे चाचा, हमारे पिताजी, हमारे दादा लोग इसको यहाँ पर लाए, यहाँ पर इसकी स्थापना की, सबकी राय को जान करके और इसका एक जो है चीर बंधन किया गया था। इस बंधन से जो है हमारी एकता और सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक है। इससे हमारी जो है जितने भी यहाँ पर हुलार हैं ये सब मनोभाव से और एक उत्साह से एक प्रेम भाव से इसका जो है एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह हमारी खेती के लिए भी एक नए उत्साह के रूप में इसका आयोजन होता है और खेती के लिए जो है इसका उपयोग होता है। यह हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है जिसको हम लोग सारे छोटे बच्चे बड़े लोग बुजुर्ग लोग इसको महत्वपूर्ण रूप से इसका बड़ा योगदान देते हैं और यह हमारी जो है अच्छी संस्कृति है। यह पूरे इस इलाके में ऐसा भाव उत्पन्न कराना चाहते हैं कि इस गांव की जो संस्कृति एकता है सभ्यता है वह चिरंजीवी रहे और लंबे समय तक बनी रहे। ये सब बड़े लोगों का आशीर्वाद है। आपका नाम? मेरा नाम भुवन चंद जोशी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। होली हमारा एक पौराणिक धार्मिक पर्व है जो धर्म और अधर्म की बातों का विवेचन करती है। यहाँ पर हरिपुर नायक में पुराने समय से होली का कार्यक्रम मनाया जाता है और यहाँ पर विभिन्न गांवों से, जैसे छड़ियाल हो गया, हरिपुर नायक तो है ही है, छड़ियाल हो गया और ये अपना हरिनगर हो गया, शिवपुरम हो गया और जो है ये हिम्मतपुर तल्ला हो गया, हिम्मतपुर मल्ला हो गया, ये सभी ग्रामवासी मिल करके ये होली का आयोजन करते हैं। ये ग्राम के समरसता और एकता का बड़ी मिसाल है। आपका नाम? मेरा नाम आनंद वल्लभ लोहनी है। मैं अच्छा है, हमारा जो चीर बंधन होता है वैसे नियम के अनुसार तो पुरानी हमारी रीति रिवाज ये है कि दशमी और एकादशी, जब दशमी ख़त्म होती है एकादशी लगती है तो तब उस वक्त हम लोग चीर का मतलब खड़ा करते हैं, चीर को बांध के अपने पूजा करके खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद जब पूर्णमासी और प्रतिपदा लगती है उस टाइम हमारा ये बाजार के जो हमारा होलिका दहन है उससे हमारे चीर बंधन का सिस्टम अलग है। चीर बंधन में हमारा सिस्टम दशमी और एकादशी में बंधता है, पूर्णमासी और पड़ेवा के जो मतलब पड़ेवा शुरू होती है पड़ेवा पर्व तो उस वक्त हमारा इसका खुलता है, पूजा विधान से इसका खुला होता है और इसका थोड़ा सा हिस्सा हम अग्नि में मतलब प्रज्वलित जला लेते हैं और बगा हिस्सा जो हम अपने हर लोग अपना अंग की रक्षा के लिए इसको अंग में धारण करते हैं चीर का।
और हर साल इसका विधान यही है। हमारे यहाँ भी 40-42 साल से जो शुरू में बत्ती चली जा रही थी, अब ये टीवियों में अगर बगर में ज़्यादा देखने से लोग बार सोते एक से एक नया प्रोग्राम आ रहा है, इसलिए हमारा होली का जो है इसकी तरफ का ध्यान कम है और नहीं हमारी पूरी होलियाँ हो पाती हैं। कोरोना की वजह से हमारा जहाँ ये इसका घूमना फिरना बंद हो गया, एक तो हमारी जनसंख्या बहुत हो गई है, बहुत पूरा 100 घर से भी ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम लोग पूरा घूम भी नहीं पा रहे थे, न घरों में हम लोग अच्छी तरह होली खेल पा रहे थे और न ही हम उसका जो है पूरा विधान से उसका वो कर पा रहे थे। सिर्फ हमारा एक ये 70 से मनाई जाती है, 1970 से और आज तक मनाई जा रही है। ये होली हमारे बुजुर्गों ने उठाई थी और पहाड़ से चीर लाए थे, ये जो हमारे जोशी लोग हैं ये लोग पहाड़ से चीर लाए थे, तब से यहाँ चीर बंधन होली के खले में होता है। पहले हम गांव-गांव घूमते थे, अब जनसंख्या ज़्यादा होने से, घर ज़्यादा होने से अब होली के खले में ही ये प्रोग्राम बनाया कि होली के खले में ही होली मनाएंगे और जो भी सामग्री जिसको देनी होगी अपने डे के हिसाब से वो ये होली में सामग्री देगा। और होली एक हमारा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और हम सभी मिलकर पूरे देशवासी होली मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। जो होली है आज नहीं बहुत पुरानी है, मैं भी जब यहाँ पर आया था, मैं जब से शुरू हुई है आज पूरे भारतवर्ष में होली होती है, लेकिन हरिपुर नाई की होली एक अनोखी होली है। यहाँ पर आज चीर बंधन का प्रोग्राम किया जा रहा है, काफ़ी लोग पूरे हमारे पूरे समस्त गांववासी यहाँ पर उपस्थित होकर के चीर बंधन का कार्यक्रम, इसके बाद हमारी होली आज से स्टार्ट होगी। अभी इसके बाद हम मंदिर में गाँव गाँव घर घर हम लोग एक जाते हैं, लेकिन कुछ चंद पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर समय के अभाव से सभी सदस्यों ने मिल करके होली का जो संगठन किया है, होली के खले पर आयोजन करते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। एक हरिपुर नाई की होली एक जो है एक से एक ऐसी होली है कि शायद यहाँ पर देखने के लिए बहुत से लोग, काफ़ी लोग अदर गांव से भी यहाँ देखने के लिए आए। 60 या 70 साल से पहले से होली मनाई जा रही है। यहाँ पर हमारा चीर बंधन होता है, जब हमारे गुरु जी की पूजा की जाती है और चीर बंधन के बाद हमारा होली का प्रोग्राम शुरू होता है। आपका नाम? दरवान सिंह राठौर।